दोस्तों, स्किल पी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने पोलैंड और फिनलैंड में जॉब करने के सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात की थी। लिथुएनिया भी पोलैंड और फिनलैंड की तरह वर्कर्स के लिए एक पॉपुलर लोकेशन है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट लिथुएनिया जाके काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज हम लिथुएनिया में जॉब करने के सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना रुके आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिथुएनिया जाने के लिए आपको वहां की जॉब ढूंढनी होगी। जॉब ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला, आप स्किल पे जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज की मदद ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर आपको जॉब वेबसाइट्स और जॉब बोर्ड्स जैसे इंडीड, नौकरी गल्फ या लिंक्डइन के बारे में मालूम है तो आप डायरेक्टली कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि एचआर के पास कई सारे कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी एप्लीकेशन मिस हो जाए। लिथुएनिया की सभी कंपनीज आपका इंटरव्यू ऑनलाइन रखती है, और अगर आपकी जॉब स्किल जॉब है तो उसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट भी कराया जा सकता है, जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट और वेल्डर के लिए वेल्डिंग टेस्ट। दूसरा स्टेप ऑफर लेटर साइन करने का होता है। अगर आप कंपनी को पसंद आ जाते हैं और कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेती है तो वो आपको ऑफर लेटर भेजेगी। उस ऑफर लेटर को साइन करके आपको कंपनी को वापस भेजना होता है, और उसी के साथ कंपनी के द्वारा मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं। लिथुएनिया में लीगली जाने के दो तरीके हैं। पहला, आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट भेजेगा, और वर्क परमिट आने के बाद आप डायरेक्टली वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको VFS ग्लोबल के थ्रू लिथुएनिया की एम्बेसी में अपना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट डेट आने के बाद दिए गए डेट पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाना होगा और अपॉइंटमेंट अटेंड करना होगा। उसके बाद आपका वर्क वीजा इशू हो जाएगा, लेकिन वर्क वीजा इशू होने में कई महीने लग सकते हैं, इसलिए आप एक दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लिथुएनिया के टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका एम्प्लॉयर लिथुएनिया में ही आपके टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेगा। वहां के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होने के बाद आपको बाकी का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस इंडिया में पूरा करना है। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेने के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके उसके लिए अप्लाई करना होगा। लिथुएनिया की टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ऑनलाइन लेने के लिए VFS ग्लोबल का लिंक आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे इस समय मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाके अपने TRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रेजिडेंस परमिट को आने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। जैसे ही आपका वर्क वीजा अप्रूव हो जाता है या आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, आप लिथुएनिया जाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए लिथुएनिया की फ्लाइट बुक करनी है। दोस्तों, एक हेल्पफुल टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप जितना जल्दी हो सके अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर लें, ताकि आपको फ्लाइट की टिकट एक्सपेंसिव ना पड़े। आपको सबसे सस्ती फ्लाइट लिथुएनिया के लिए दिल्ली से मिल जाएगी। उसके बाद लिथुएनिया जाने से पहले वहां पे अपने शुरू के दिनों के लिए कुछ पैसे जमा कर लें। लिथुएनिया का मौसम ज्यादातर ठंडा ही होता है, तो वहां के मौसम के हिसाब से आप अपने कपड़े तैयार कर लें। लिथुएनिया में सारे लोग ज्यादातर लिथुएनियन या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बीच के दिनों में जब आपके पास टाइम होगा तो आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों मुझे यहाँ तक फॉलो किया है तो लिथुएनिया में जॉब करने के सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब आगे के कुछ स्टेप आप लिथुएनिया में जाके पूरे करेंगे, जिसमें दोस्तों आपकी कंपनी और आपका एम्प्लॉयर आपकी मदद करेगा। सबसे पहले आपको लिथुएनिया पहुंचने के बाद अपने अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है। ज्यादातर कंपनीज ये दोनों सुविधाएं अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर आपको आपकी कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही तो आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन ढूंढने में आपकी मदद जरूर करेगी। लिथुएनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क है,
तो आप आराम से अपनी वर्क साइट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने कंपनी के सारे फॉर्मल स्टेप्स पूरे करने हैं। ये प्रोसेस अलग अलग कंपनी पर निर्भर करते हैं। कुछ कंपनीज आपका आईडी कार्ड बनवाएगी, आपकी जॉब के बारे में जानकारी देगी, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएगी और बाकी का पेपर वर्क पूरा करने में मदद करेगी, जैसे कि इंश्योरेंस देना या बैंक अकाउंट खुलवाना। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप लिथुएनिया में आराम से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लिथुएनिया में जॉब करने के सारे स्टेप्स के बारे में बात की। लिथुएनिया जाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जॉब ढूंढनी होती है। यूरोप में जॉब ढूंढने के बारे में मैंने पोलैंड की वीडियोस में आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। जॉब ढूंढने का प्रोसेस सेम ही होता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के स्टेप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्किलवे के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो बिल्कुल मिस ना करें।